झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। पीसा कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को बनाएंगे सशक्त। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल दो ही आदमी दिखाई देते हैं और उनके साथ अमित शाह दिखाई देते हैं। झारखंड में अब सीबीआई और ईडी वाली सरकार को नहीं लाना चाहिए। मोदी जी ने खाद पर 5% टैक्स लगाया, एकाधा तो बताइए आप जो एक 50,000 20,000 25,000 लोगों को, क्योंकि इनको दूसरों का जो अच्छाईपन है वो मोदी को दिखता नहीं, सिर्फ उनको दो बड़े लोग दिखते हैं और सामने एक शाह साहब दिखते हैं और कैबिनेट में दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता। जो कुछ बोलेगा मोदी ही बोलेंगे, जो कुछ करेंगे शाही करेंगे, क्योंकि सब पावर अपने पास लिए हो, पूरे हथियार उनके पास, और दूसरों को बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमने कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया? राजीव गांधी ने इस संविधान को बदल के उन्होंने संविधान में संशोधन करके महिलाओं को पंचायत में, जिला पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, दलितों को, इन सबको जो हक दिया और अधिकार का जो विकेंद्रीकरण किया वो कांग्रेस ने किया। तुम सब स्टेट के पावर छीन ले रहे हो, जो कुछ भी काम है वो छीन लेना, सब कुछ मेरे। इनका बफे सिस्टम टाइप है, जो मिला वो पहले खा लेना, बाद में कुछ क्यों नहीं होता। तो भाइयों, आप सबको मैं यही कहूंगा कि इनसे बचना है, ऐसे सरकार को यहां पर नहीं लाना जो सिर्फ सीबीआई से, ईडी से हुकूमत करती है और सताती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि झारखंड के लोग कभी डरेंगे नहीं और डरने वाले भी नहीं है। यहां के लोग मजबूत है, दलित है, आदिवासी से, अरे मेहनत का श्लोक है, वो क्या डरेंगे? तुम्हारे हाथ कभी मैले नहीं हुए, कभी आपने ये आपने कभी नांगर मारा, कभी कुंटी पकड़ी, कभी खुरपी पकड़ी, कभी फौड़ा पकड़ा हाथ में नहीं। लेकिन बात बहुत करते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग दूर रखना चाहिए। किसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है वो जरूर जीतता है, लेकिन चंद लोग ये भूल जाते हैं कि जो आज रिजर्वेशन मिला, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, और संविधान के तहत जिस जिसको हक मिले हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों ने हम सबको
कुछ ना कुछ आजादी के बाद दिए हैं। उसी जोर पर आज हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और उद्योग में वो जा रहे हैं, और जो आजादी के पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, 4-5% भी लोग दलितों में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बैकवर्ड में नहीं रहते थे, आदिवासियों में नहीं रहते थे, यहां तक भी माइनॉरिटी के लोग भी बहुत पिछड़े हैं। और उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी उसी तरह आज भी है। आज किसी को कुछ मिला है तो कांग्रेस पार्टी अपने जद्दोजहद के साथ लड़कर सबको कुछ सहूलत दिलाई है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।